नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। मोदी ने ऋषि सुनक से की बात, भारतीय उच्चायोग पर हुए हमले का मुद्दा उठाया, कहा भारत विरोधी तत्वों पर एक्शन लें। तमिल नववर्ष कार्यक्रम में पीएम मोदी बोले, तमिल लोग अपनी संस्कृति साथ लेकर चलते हैं, सबसे पुरानी इनकी भाषा पर सबको गर्व। विपक्षी एकता पर राहुल गांधी ने कहा, हम सब एकजुट। लोकसभा 2024 चुनाव को लेकर शरद पवार ने खड़गे और राहुल से की है मुलाकात। ममता बनर्जी का बड़ा बयान, बोली सुना है 2024 तक हमें फंड नहीं मिलेगा, ऐसा हुआ तो आंचल फैलाकर माताओं से भीख मांग लूंगी। आदित्य ठाकरे बोले, जेल के डर से रोए थे शिंदे, संजय राउत का दावा उनके दिल और दिमाग में नजर आ रहा था जेल का डर। उत्तर प्रदेश में योगी राज के 6 साल में 183 खूंखार अपराधी ढेर, मिट्टी में मिले हैं कई माफिया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी अंबेडकर जन्मदिवस की बैसाखी की बधाई। तेईस साल बाद मेयर सीट पर भाजपा का दांव, कानपुर में सांसद सत्यदेव पचौरी की बेटी को मेयर पद पर उतारने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। व्यापारी नेता कादिर आप के महापौर प्रत्याशी, प्रयागराज के व्यापारियों के दम पर आपने कादिर पर लगाया दांव। सांसद हरनाथ सिंह ने अखिलेश यादव पर बोला, हमला का अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, इससे उनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है। इटली में लैब में बने मांस के उपयोग पर बैन, नियम न मानने पर 93 लाख तक का जुर्माना, ऐसा करने वाला इटली पहला देश बना। आयरलैंड में बाइडेन की सुरक्षा में बड़ी चूक, सड़क पर मिले सिक्योरिटी स्टाफ की तैनाती के डॉक्यूमेंट्स, इनमें फोन नंबर और रूट भी लिखा था। ईरान ने 2022 में 582 लोगों को दी सजाएं मौत, मानवाधिकार संगठन का दावा, एक साल में 75% तक बढ़ी मौत की सजा। सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति का मिशन आखिरी मिनट पर टला, मिशन जूस में मौसम बना परेशानी, स्पेस एजेंसी इस पर 13 करोड़ खर्च कर रही है। रूसी सेना में भर्ती की बड़ी तैयारी, युवाओं के देश छोड़ने पर लगेगी पाबंदी, सैनिक भर्ती से जुड़े नए कानून को संसद के निचले सदन में मंजूरी। रोमांचक मुकाबले में 6 विकेट से जीता गुजरात, पंजाब को एक गेंद बाकी रहते हराया गया, शुभमन गिल ने लगाई मैच विनिंग 50। आईपीएल के बीच सेल्फी विवाद में पृथ्वी शॉ की मुश्किल बढ़ी, सपना गिल की याचिका पर शाह सहित 11 लोगों को नोटिस जारी कर दिया गया है। मुश्किल में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम, धोनी को घुटने की चोट, सिंसाड़ा मगाला को 2 सप्ताह के लिए बाहर कर दिया गया। स्लो ओवर रेट के चलते सैमसन पर जुर्माना, अंपायर के फैसले से नाखुश, अश्वनी पर भी मैच फीस का 25% फाइन लगा है। राजस्थान के खिलाफ ग्रीन जर्सी में खेलेगी बेंगलुरु टीम, पर्यावरण की जागरूकता के लिए साल 2021 से चला रही है मुहिम। ओसाकी साकी पर नेपाली शख्स का शानदार डांस, तारीफ करने से नोरा भी खुद को नहीं रोक पाई, अब तक मिले 13 करोड़ व्यूज। सलमान खान ने कपिल शर्मा के साथ गाया गाना, जीने के 4 दिन पर शहनाज गिल ने किया डांस, कॉमेडियन ने शेयर किया वीडियो। जियो स्टूडियो के इवेंट में ग्लैमरस अंदाज में पहुंचे सितारे, बेटी के साथ पहुंचे आमिर खान, श्रद्धा कपूर से लेकर अनिल कपूर तक कई स्लेब्स आए नजर। सेट पर सबसे पहले पहुंचे थे रजनीकांत, अमोल पालेकर बोले, बॉलीवुड की तुलना में साउथ इंडस्ट्री ज्यादा प्रोफेशनल।
ब्लडी डैडी का टीजर रिलीज हुआ। पहली बार खतरनाक लुक में दिखे शाहिद कपूर। फैंस ने की सिनेमाघरों में रिलीज करने की अपील। फिलहाल 5 मिनट की 25 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।